जय हिंद साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, लाजवाब होंगे। मित्रों, जैसा कि आपको पता है यूपी एनएचएम वैकेंसी के बच्चों का जो आंसर की है वो आ चुका है, लेकिन यहाँ पर आप बच्चे सोच सोच कर परेशान है कि कट ऑफ कम जाएगी तो, लेकिन कितनी कम जाएगी, आखिरकार हमारा नंबर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, उन सब बातों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। मित्रों, वहीं पर आप देखोगे जो यह बात सुनने को मिल रही है कि सभी को 4-5 अंक कॉमन मिलेंगे, यानी कि सभी स्टूडेंट को 4 से 5 नंबर फ्री में दिए जाएंगे, आखिरकार वह बात सही है या फिर नहीं, या फिर कितने अंक कॉमन मिलने की संभावना है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके, आखिरकार किस प्रकार से कट ऑफ कम जाएगी, क्या क्या बेसिक हो सकते हैं जिनसे आपकी कट ऑफ प्रभावित होगी, वहीं पर आपको कितने कॉमन अंक मिल सकते हैं, क्या आपको भी कितने कॉमन अंक मिलेंगे, यह सब महत्वपूर्ण बातें आप इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आगे भी यूपी एनएचएम वैकेंसी से रिलेटेड आपको बहुत सारी खबरें, जो भी आपकी इंपोर्टेंट अपडेट होगा वो सब देखने को मिल सके। तो आप यहां पर देखिएगा जो आपकी कट ऑफ है वह कितनी जाएगी। तो मित्रों, मैं आपको बता देता हूं, सभी को पता है कि मेरा एग्जाम हो गया, सभी ने अपना जो भी पेपर था, जितने भी मार्क्स आ रहे होंगे, सभी को मैच कर लिया होगा, लेकिन मित्रों यही सभी बच्चे सोचकर परेशान है, क्योंकि जो माहौल बना पड़ा है ना यूट्यूब का, उसमें सब बता रहे हैं कि आपकी कट ऑफ 60 जाएगी या 70 जाएगी या 80 जाएगी, लेकिन मित्रों आप यहां पर एक बात देखिएगा, आपके 17,291 पद है, तो आप मुझे एक बात बताइए, लाखों स्टूडेंट्स ने पेपर दिया मुझे पता है, लेकिन 17,000 वैकेंसी कम नहीं होती, आपकी कट ऑफ बहुत कम जाने वाली है, क्योंकि हाल ही में आप जो भी एग्जाम चल रहे हैं उनकी कट ऑफ देखिए, उनको एनालाइज करके आप पता लगा सकते हैं आखिरकार जो बच्चा है उसका माइंड किस तरीके से काम कर रहा है, आप उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हो। आपने भी एग्जाम दिया है, आपको पता है क्या लेवल था एग्जाम का, तो आप लेवल के आधार पर बता सकते हो कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। और मित्रों, जबकि हजारों स्टूडेंटों को एनालाइज करके जो मेरे दिमाग में आया है, जो मेरे अकॉर्डिंग आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकती है, मित्रों कि अगर आपके 40 से 45 नंबर है, अगर मैं जनरल कैटेगरी में आता हूं और आपके 40 से 45 नंबर है, तो मित्रों आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाने से कोई नहीं रोक सकता, वहीं पर ईडब्ल्यूएस और आपके ओबीसी, ईडब्ल्यूएस आपके ओबीसी, तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं इन दोनों जो कैटेगरी है इनका जो भी हमेशा स्कोर है वो लगभग बराबर रहता है। अगर आपके लगभग 38 से 40 नंबर है, 38 से 40 नंबर के बीच में अगर आपके आ रहे हैं, तो आपको डीबी में जाने से कोई रोक ही नहीं सकता। मित्रों, वहीं पर अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको पता है मैंडेटरी नंबर कितने चाहिए, 24 नंबर चाहिए, यानी कि कम से कम 24 नंबर तो हो, तो मैं आपको बता देता हूं जिनके 24वीं नंबर आ रहे हैं, यानी कि जिन्होंने 24 का आंकड़ा टच कर लिया है, वह अपनी डीबी में प्रतिभा दिखा सकते हैं। मित्रों, वहीं पर सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि सभी को मिलेंगे 4 से 5 अंक कॉमन, तो मित्रों मैं आपको बता देता हूं, पहले तो यह समझिए कि आखिरकार कॉमन अंक मिलते कैसे हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप एग्जाम देकर आए हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिन्होंने आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि लगभग यह प्रश्न गलत सा है, या फिर यह प्रश्न तो सही है लेकिन इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वह गलत है, तो मित्रों उन पर आपके कॉमन अंक मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे जब आंसर की आ जाती है तो बहुत सारे प्रश्नों पर विवाद होता है, जैसे कि अन्य भर्तियों में भी चल रहा है, तो यहां से 4 से 5 कॉमन अंक तो मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन लगभग 1 से 2 प्रश्नों में ऐसी संभावना व्यक्त करी जा रही है कि आपको 2 नंबर लगभग कॉमन मिल सकते हैं। तो जिनके भी नंबर आपके थोड़े कम दिख रहे हैं उनको 2 अंक कॉमन मिल सकते हैं, आपको पता है, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जिनमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो आपके 2 अंक यानी कि 102 अंक आपको कॉमन मिलने की संभावना है, ना कि 4 से 5 अंक, यानी कि किसी के बहकावे में ना आए, कम से कम 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 अंक आपको कॉमन मिलेंगे, 4 से 5 अंक आपको कॉमन नहीं मिलेंगे, 1-2 प्रश्नों में ही ऐसा कंफ्यूजन है जिनको आयोग थोड़ा सा विचार करेगा। तो दोस्तों यहां पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आ गई होगी कि आखिरकार कट ऑफ कितनी जाएगी और कितने कॉमन अंक मिल सकते हैं, किसको किस प्रकार कॉमन अंक मिलेंगे, यह सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आगे भी अगर यूपी एनएचएम वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो एकेजीएस रिसर्च सेंटर फिर से आपके सामने लेकर आएगा। मित्रों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे आगे भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहे। तो मिलेंगे ऐसी ही एक इंफॉर्मेटिव लेटेस्ट वीडियो के माध्यम से नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।